उत्तर प्रदेश के रामराज वाले सिपाहियों को तो देश सेवा में भारत रत्न या इससे भी बड़ा कोई सम्मान हो तो वो मिलना चाहिए, क्योंकि ये योगी रक्षक पूरे उत्तर प्रदेश की सुरक्षा का बीड़ा उठा रहे हैं। लेकिन इन्हें कौन बताएगा कि किसी युवक को 3 दिन तक लाठी डंडों से टॉर्चर करना रक्षा नहीं मानव का भक्षण होता है। अगर तनक सी भी शर्म बची हो तो शासन से डरो। अगर आप भी इन तस्वीरों को और वीडियो को देखेंगे तो खून के आंसू रो देंगे। एक कारनामा उत्तर प्रदेश की ललितपुर पुलिस ने किया है। पहले युवक को सुन लीजिए। तो इतने में दरोगा जी उनके साथ और पुलिस वाले थे, तो उनने पूछने लगे क्या कर रहे हो, गाली गलौज करने लगे। तो उनने बोला कुछ नहीं, बस हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे मारत जे वो तो पकड़ के मारने लगे। तो हमने थोड़ी सा ऑब्जेक्शन उठाया, तो उसके बाद उनने हमारे लिए मार उन्हें उनसे तो कुछ नहीं बोला, बोलो जैसे तैसे यहाँ वहाँ करके भाग गए। लेकिन हमें पकड़ लिया उनने, तो हमारे लिए उनने बहुत मारा और बोलने लगे इस केस में रख देंगे, उस केस में रख देंगे, गांजा लगा देंगे, ड्रग्स और तमाम प्रकार की बातें की हमसे। फिर इतने मूल्य में हम तुम्हारे लिए गाली छिन में रख देंगे, अगर हमें 1.5 लाख रुपये नहीं दिए तो बहुत मारेंगे तुम्हारे लिए। और किसी ना घर वालों को सूचना दी ना किसी को सूचना दी, बहुत मारा बहुत मारा। जिले के वृद्धा चौकी का है। पुलिस ने 24 वर्षीय युवक के साथ 3 दिनों तक की मारपीट और थर्ड डिग्री जैसी कार्रवाई की है। सुरेंद्र सिंह नाम के 24 वर्षीय युवक को गंभीर रूप से मारा पीटा है। 3 दोस्तों के साथ हाईवे पर खड़ा था सुरेंद्र, तभी वृद्धा चौकी के पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में आए और ले गए। सुरेंद्र ने 1 लाख रुपये मांगने का आरोपी लगाया है पुलिस पर। गजब की बात तो ये है कि पुलिस को भी नहीं पता कि लड़के को किस जुर्म की सजा दी गई है और वसूली किस कारण से मांग रहे हैं। गजब है प्रशासन के डंडे। सही है सैया भय कोतवाल तो काहे का डर। आगे की खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ललितपुर से गौरव सैन की रिपोर्ट।